हिमाचल प्रदेश में जहां बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की परिवर्तन रैली के बाद सूबे की वीरभद्र सिंह सरकार पर हमला तेज कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी जुबानी पलटवार करने की तैयारी में अब जुट चुकी है। हिमाचल बीजेपी में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पीएम मोदी हाल ही में शिमला में रैली करके लौट चुके हैं, जबकि कांग्रेस अपनी आगामी रणनीति तैयार करने में जुटी है। इसे लेकर हिमाचल कांग्रेस का कहना है कि उनका रोड मैप रेडी है और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी संसदीय क्षेत्रों में बतौर स्टार प्रचारक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की रैलियां होंगी। विधानसभा का चुनाव का वक्त है, इसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता राहुल गांधी जी भी आएंगे और सोनिया गांधी जी भी आएंगे, वो हमारा ऑलरेडी शेड्यूल में है और आने वाले समय में ये बड़ी मीटिंग्स कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी। रैली कहाँ कहाँ हो सकती है? अगर बड़ी रैली हमारा तकरीबन हर पार्लियामेंट्री में एक एक रैली जो है बड़े नेताओं की, सोनिया जी की और राहुल जी की जरूर होंगी। हिमाचल कांग्रेस का दावा है कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल है और आने वाले दिनों में जिला स्तरीय पार्टी अधिवेशन में सीएम, मंत्री और पार्टी के नेता बराबर शरीक होंगे। जो ये कार्यक्रम हमने कल भी जिला स्तर के अधिवेशन घोषित किए हैं, इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी, पार्टी के लोग और सरकार के सभी मिनिस्टर्स और एमएलए मिलकर जो है एक फेस के साथ आगे बढ़ेंगे। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करके हिमाचल कांग्रेस सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया।